हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स यानी कि वो शब्द जिन्हें हम फ्रेजेस का फर्स्ट लेटर लेकर बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। AFAIK, As far as I know, हिंदी मीनिंग जहाँ तक मुझे पता है। AMA, Ask me anything, मुझसे कुछ भी पूछो। B4, हिंदी मीनिंग पहले। B4N, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए अलविदा। BRB, बी राइट बैक, हिंदी मीनिंग इसी समय वापिस आओ। CMU, कॉल मी अप, मुझे फ़ोन करें। DTS, डू द सेम, हिंदी मीनिंग ऐसा ही करना। DP, डिस्प्ले फोटो या फिर डिस्प्ले पिक्चर या फिर डेस्क टॉप फोटो। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बहुत पहले जब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपना फोटो शेयर करते थे तो उसको बोलते थे डेस्क टॉप फोटो या फिर डेस्क टॉप पिक्चर, और अब लोग बोलते हैं DP यानी कि डिस्प्ले फोटो या डिस्प्ले पिक्चर। लेकिन अब ये भी चेंज हो गया है, अब ये हो गया है प्रोफाइल फोटो या प्रोफाइल पिक्चर। यानी कि अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपनी फोटो वगैरह शेयर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माय प्रोफाइल पिक्चर। DM, डायरेक्ट मैसेज, जब आप किसी को पर्सनली मैसेज करने के लिए कहते हैं तो हम वहाँ पर DM यूज़ करेंगे। BAE, बिफोर एनी वन एल्स, सबसे पहले या फिर किसी और से पहले। DIY, डू इट योर सेल्फ, इसे खुद करें। FYI, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए। TMI, टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा जानकारी। BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, बहुत अच्छे दोस्त हमेशा के लिए। OTW, ऑन द वे। OMW, ऑन माय वे, रास्ते में। OMG, ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान। TBH, टू बी ऑनेस्ट, मीन्स स्पीकिंग फ्रेंकली, हिंदी मीनिंग ईमानदारी से कहना। यानी कि जब आप अपने फ्रेंड से या किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उनको भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि टू बी ऑनेस्ट, उसने ऐसा कहा। TBP, थ्रोबैक फोटो, यानी पुरानी कोई फोटो। HMB, हिट मी बैक, हिंदी मीनिंग मुझे वापस मारो या मुझे फिर से मारो। Hand, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। J/K, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था। लेटर, बाद में। LMAO, लाफिंग माई ऐश आउट या फिर लाफिंग माई ऐश ऑफ। लोग इसे तब टेक्स्ट करते हैं जब उन्हें कुछ फनी लगता है। LOL, लाफिंग आउट लाउड, ये भी तभी टेक्स्ट किया जाता है तब किसी को लगता है कि बहुत फनी है और उन्हें हंसी आ रही है। S/O, शाउट आउट, हिंदी मीनिंग लोगों की भीड़ में थैंक यू कहने का तरीका। ROFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड लाफिंग, यानी कि जब आपको किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही हो।
ई ओ टी ईट ऑन टाइम समय पर खाना, योलो या फिर वाई ओ एल ओ यू ओनली लिव वंस। देखो हम बहुत बार कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, यानी कि आप कहना चाहते हो कि जो आपका मन करता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। यहाँ इस एक्रोनियम का मतलब भी यही है कि आप अपनी जिंदगी को जितना जी सकते हैं जिए। टी वाई थैंक यू धन्यवाद, एन डब्ल्यू वाई इसे हम दो फ्रेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है नो वे यानी बिल्कुल नहीं, नथिंग विदाउट यू आपके बिना कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, हिट कर दीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।